लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। 2019 में नरेंद्र मोदी का इस सीट से चुनाव लड़ना लगभग तय है, विपक्ष की चिंता बढ़ी। नमस्कार दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा देश की राजनीति में चर्चा का विषय बने रहते हैं। अब यह चर्चा चल रही है कि आखिर नरेंद्र मोदी इस बार का लोकसभा चुनाव कहां से लड़ेंगे। आपको बता दें कि साल 2014 का लोकसभा चुनाव उन्होंने उत्तर प्रदेश के वाराणसी सीट से लड़ा था। दोस्तों, सूत्रों के माध्यम से खबर आ रही है कि इस बार का लोकसभा चुनाव भी नरेंद्र मोदी वाराणसी से ही लड़ेंगे और यह लगभग तय माना जा रहा है। दोस्तों, वाराणसी से उनके चुनाव लड़ने से पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश में असर पड़ता है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी इस बार उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत चिंतित है, क्योंकि उपचुनाव के नतीजे भी बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसमें से 2014 में बीजेपी को 73 सीटें मिली थी। इस बार भी कुछ ऐसा करने की तैयारी होगी और इसलिए सूत्र बताते हैं कि मोदी का वाराणसी से लड़ना लगभग तय है, जिसको लेकर पूरे विपक्ष में चिंता बढ़ गई है।